आज मैं आपको शनि हर्बल्स एलोवेरा कैलेंडुला क्रीम ऑल पर्पस क्रीम जो है इसके बारे में बहुत उपयोगी जानकारी दे रही हूँ। और इसको अलग अलग तरीके से इसमें क्या मिक्स करें जिससे स्किन जो है विंटर्स में ख़राब ना हो, और ये वाला जो फॉर्मूला जो बताने जा रही हूँ आपको, इसमें बच्चों के लिए भी एक लोशन तैयार होता है इस क्रीम से, और बहुत ही सस्ता सुंदर और टिकाऊ फॉर्मूला है। ये देखिए आप, ये वाली क्रीम जो है ये आती है ओनली, आप देख रहे हैं, 420 रुपीज़ की आई है। और आप ये देखेंगे इसके ग्राम्स देखेंगे तो 500 ग्राम्स यानी लगभग आधा किलो की ये क्रीम हमें मिल जाती है सिर्फ 420 रुपये में, यानी कि काफ़ी इकोनॉमी पैक है। और इसे बहुत दिनों तक यूज़ करेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होता है, 1 साल 2 साल 3 साल भी रख सकते हैं इस क्रीम के बॉक्स को। और अभी मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, लेकिन आप इसका ओनली जो क्रीम टेक्सचर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, होम्योपैथी है तो इसलिए कोई इसका नुकसान नहीं है। और ये आता है सनी हर्बल्स का। खासकर इसका उपयोग जो है सर्दियों में स्किन जो फट जाती है उसके लिए मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद जो हाथों की स्किन ख़राब हो जाती है आपकी, तो आप उसे तभी से तभी यूज़ कर सकते हैं। ऑल पर्पज़ क्रीम है, फेस पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसको बहुत अच्छा बनाना है तो इसमें मैंने इसमें पतंजलि का बादाम रोगन भी मिला करके यूज़ किया था, तो उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा मिला। रिंकल्स में भी मुझे उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला था। अगर रिंकल्स हो गए हैं फेस पर तो हमने इसे पतंजलि का बादाम रोगन आता है वो इसमें मिक्स करके आधा चम्मच क्रीम में आधा चम्मच ये वाली क्रीम मिक्स की थी और आधा चम्मच बादाम का तेल मिक्स किया था। उसके बाद जब इसे अप्लाई किया था तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू हर्ब्स है ये, आप देख रहे हैं इसमें दो तरह की हर्ब्स हैं। जो कौन कौन सी हर्ब्स हैं ये देखिए, एलोवेरा और कैलेंडुला। एलोवेरा आप देख रहे हैं ये वाला है, और कैलेंडुला की ये फ्लावर्स होते हैं। दोनों ही बहुत ही स्किन के लिए, जिसे कहते हैं अमृत के समान है ये एलोवेरा और कैलेंडुला का मेल जो होता है, और ऑल पर्पस क्रीम है। इसे बहुत सारे यूज़ में आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, दैट हेल्प्स प्रिवेंट स्केरिंग, स्केरिंग को ये हटाती है, सनबर्न हो जाता है अगर धूप में चले जाते हैं, उससे स्किन जल जाती है और जो सनबर्न हो जाता है, गांव में जो लोग रहते हैं वो लावनी वगैरह महिलाएं करती हैं, तो उनकी स्किन जो है सनबर्न जैसी हो जाती है, कुछ जली जली सी दिखेगी, ऊपर की जो त्वचा है सबसे ऊपर वाला हिस्सा वो जल करके एक हल्की सी परत सी आ जाती है, तो उसे हटाने में ये बहुत मदद करती है। एंड एजिंग ऑफ स्किन, त्वचा पर उम्र के प्रभावों को भी हटाती है। ए नेचुरल एंटीसेप्टिक है ये, एंटीसेप्टिक क्रीम है, डेलिकेट स्किन के लिए भी अच्छी है। तो ये सारी इसकी आप देख रहे हैं कि किस किस में एलोवेरा काम आता है। एलोवेरा के बहुत सारे उपयोग हैं, ये मॉइस्चराइजर का काम भी करता है। आप देख रहे हैं दोनों हर्ब्स जो हैं ये रंग साफ करने में मदद करती हैं, और स्किन को हेल्दी दिखलाने के लिए भी मदद करती हैं। मसाज एलोवेरा प्लस कैलेंडुला क्रीम ऑन स्किन यूनिफॉर्मली यूज़ एटलीस्ट ट्वाइस डेली, 2 बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं एक दिन में। ये फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली है। मैं इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके से उपयोग करती हूँ, मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में ये दिखा भी चुकी हूँ। जो इसके और वीडियोस आपको मेरा एक और चैनल है महिमा ब्लॉग्स के नाम से, उस पर भी काफ़ी सारे इसकी जानकारी मैं आपको देती रहती हूँ। काफ़ी वर्षों से ये मैं कर रही हूँ, मैंने कोर्स किया हुआ है होम्योपैथी का, तो मुझे इसका थोड़ा है नॉलेज, तो मैं इसलिए आपको ये बता देती हूँ कि ये जानकारी सभी के काम आ जाए, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। इसमें कोई मेरा
सेलिंग पर्पज़ से ये वीडियो नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वही आपको दिखाती हूँ, या हम मैं जो यूज़ करके उनके अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं या जिनके बुरे रिजल्ट्स भी मिले हैं तो वो बात भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। मुझे ये कॉम्बिनेशन जो है इसमें दूसरे वाली क्रीम में भी ये वाला ये वाली इसके साथ यूज़ थी तो वो भी मुझे अच्छी लगी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो वाली भी क्रीम दिखाऊंगी। एक और वीडियो बनाया है उसमें है वो सब क्रीम्स, तो आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और आप देखेंगे कि सिर्फ 420 की आई है, बहुत कम रेट पे आई है, तो रेट भी सही है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। किसी भी बाज़ार में जो मैंने और भी यूज़ करके देखे हैं उन सब से मुझे ये कम रेट पे एक अच्छा फार्मूला लगा है, तो ही मैंने इसे चुना है। आपको मैं एक और दिखा देती हूँ, ये वाली क्रीम जो है वो भी इसके साथ हमने यूज़ करके देखी है, ये वाली देखिए, इसमें जो है तो ये भी कैलेंडुला और एलोवेरा का मल्टीपर्पज़ क्रीम है, लेकिन इसकी कंपनी दूसरी है। ये देखेंगे आप, ये इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इसका खुला पीस भी है, वो मैं आपको अभी नहीं दिखा पाऊँगी, ये मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊँगी उसका। और इसका जो है एक ये वाली एंटी रिंकल के लिए, रिंकल्स के लिए ये वाली क्रीम जो है यूज़ किया था तो काफ़ी अच्छी है। ये देखेंगे आप, सनी हर्बल्स की, ये इसी कंपनी की क्रीम है जो हमने यूज़ की थी और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिला था। इसमें आप देख सकते हैं पपाया का भी यूज़ किया गया है, इसमें और सारी चीज़ें भी थी, ऑल पर्पस एलोवेरा पपाया एंड एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो यूज़ किए गए थे। ये पुराना है बॉक्स, इसके बाद हमने ये फिर लिया तो ये भी इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला है, साथ ही ये तो है ही बेस्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे चूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें चूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, आपकी स्किन टाइप देख करके कैसी है स्किन तो आप इसे चूज कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैं किसी का रिकमेंडेशन नहीं कर रही हूँ, किसी भी कंपनी का कोई एडवर्ट कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए सनी हर्बल्स की है ये, और सनी हर्बल्स का हमने हेयर ऑयल और शैम्पू भी यूज़ किया था तो वो भी ठीक ठाक रिज़ल्ट थे, शैम्पू के ठीक थे बट ऑयल काफ़ी अच्छा था, जो रिव्यू में मैं आपको बता दूंगी वो भी आप देखेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन टाइप कैसी है तो आप देख करके चूज कीजिए, और एज विंटर क्रीम के लिए भी, विंटर्स के लिए अच्छी है, लेकिन जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए तो ये बेस्ट है। ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सोचना पड़ सकता है कि इसका यूज़ कैसे करें। अगर ऑयली स्किन है तो हम इसका यूज़ गुलाब जल मिला करके, कि मैंने किया भी है तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। गुलाब जल आप अपने अकॉर्डिंग जिस कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए वैसे मिला लीजिए, तो मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे हैं, तो ये आप देख लीजिए। जिसके बुरे रिजल्ट लगे हैं जिस क्रीम के, वो भी मैं आपको एक अलग रिव्यू में बताऊंगी, अभी ये अच्छे रिजल्ट्स वाली एक क्रीम जो है, ये तीनों के ही मुझे अच्छे मिले हैं, ये तीनों होम्योपैथी हैं, और इसके अलावा और भी हैं जिनके अच्छे मिले हैं और बुरे भी किन्हीं के मिले हैं, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताती रहूँगी। इसके अलावा आप इसके क्रीम्स के और अदर रिव्यूज़ देखने के लिए महिमा ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।